दमांद दमदुल्ली और दुल्ली ये भगवान ये चन्मा पाले अम्मो दमांद बेहोश जो साल भरे में एक दाए जाए और दमदुल्ली बेहोश जो छह महीना में एक दाए जाए और दुल्ली दुल्ली बेहोश अगर साले साहब मका नरात तो संगे लेख रुपया मका निर्वाय रहे। अब दमांद की बात आई तो दो मिनट गौर करे माता एक दमांद हते साल बाद ससुराल में गए। जो साल बाद ससुराल में गए तो सासू अम्मा ने बड़ी सेवा करी रबड़ी घोंट घोंट के पिबाई और जब रबड़ी घोंट घोंट के पिबाई तो दमान सोचन लगे अगर महीना खंड रुकी है तो हेल्थ अच्छी बन जाए। सो दमान रुक के ही रही है और जब दमान रुक के ही रही है तो सेवा थोड़े दिन की होता है। अब मैया के घर में आटा में घाटा पड़ने लगो और जब आटा में घाटा पड़ने लगो अब बूढ़ी मैया सासू अम्मा सोचन लगी अच्छी दमान की सेवा कर दे जे टरके ही नहीं जात। लेकिन लल्ला डोकरी बहुत चालाक रहे हैं। आहा गुरुजी जब दमान की चारपाई डली बई डरी बई लगी रहे चकिया और जो सवेरे के चार बजे तो मैया चकिया पीसन लगी और दमान को सुनाए की गीत गान लगी। कौन सो गीत गाओ सुनो पाओ भोला गो और पड़ी आई ओ गेल चलन तू अब कै सोए जो सासू अम्मा ने कई भाव भोरारो पड़ी ओस गेल चलन लगी तुम का डरे रहे दमान बोले पलने हुई डोकरी हम सही काटी है खटिया सोठे और तर खटिया घुसिए दमान। जो सासू अम्मा ने खटिया देखी तो खटिया खाली रहे सासू अम्मा सोचन लगी दमान हते इज्जत वाले चले गए है? अब खुशी के मारे सासू अम्मा चकिया से बोली जान चकिया ले ले ओ दमान तो आठ दस कोश निकरिए दमान सोचन लगे पलने हुई जे डोकरी हमसे ही काटी दमान खटिया से निकरे और खटी पे बैठी है। अब दमान बोले हे मैया हमसे काटी सासू अम्मा बोली अब तू शर्म लग गया है हम और तुम और हम किन से काट। अब दमान बोले किन से सासू अम्मा सुनो मैया बोले आओ भोरा रो और पड़ी आई ओस खाए के जाए बज दिए तो पहुंचे जू लगो सही बात है जू ठंडा लगो। दमान डोकरी सोचन लगी ऐसे जे नहीं जाए लेकिन लल्ला डोकरी बहुत चालाक रहे सही बात है पढ़ी लिखी थी। दमान से बोली तुम्हें नहीं मालूम मेरे पति बाहर नौकरी करवे के लिए गए सब बर्तन बदल लाए। दमान बोले कैसे बर्तन है तो सासू अम्मा बोली सुनो कैसे बर्तन है। अब सासू अम्मा बोली मेरे बटुआ को नाम मदन छह महीना में बने बने दाल जो सासू अम्मा ने कही मेरे बटुआ को नाम मदन गोपाल है बम छह महीना में दाल बंद तुम का ही धरे रहे हो। दमान बोले चिंता न कर मैया अगर तेरे बटुआ को नौ मदन गोपाल है तो सुन। अब दमान बोले सासू अम्मा से क्या हम मेहमान धन तरु राय साल पलट जाए तब घर जाए दमान बोले मैया अगर तेरे बटुआ को नौ मदन गोपाल है तो हम बे मेहमान है साले चली जाती घर को मन नहीं करता सही बात है फोनो नहीं करता। डोकरी बोली जे ऐसे नहीं जाए माताओं डोकर बहुत चालाक रहे हैं हाथ भरे को डंडा हुए तले चले आए पहले माताएं अर्जदार घांगरा पहनती थी खूब चोड़ो चकड़ो
लड़ाई में दे लाठी दे लाठी दे लाठी लग गए दो कर दो करी के। दमाद सोचन लगे कहूं हम पे नंबर ना आ जाए। दमाद ने जोरा उठाओ और चुप ही सरक दे और का गए नहीं आहा। द्वारे के सामने को बिठा लगो भाई बिठा में मुड़ेरी खंगाई है। माताओ एक कोट नंबर हम तुम्हें बताए रहे, अगर दमाद ज्यादा दिन रिश्तेदार ज्यादा दिन रुक के रह जाए तो तुम घर में कर लियो झगड़ो के मेहमान डगरो डगरो गुरुदेव। हाँ, और जो सासू अम्मा के लहंगा में डोकन ने दो चार लाठी मारी दमाद ने जोरा उठाओ बिठा मुढ़ेरी खंगाई है। और जो बिठा में मुढ़ेरी खंगाई अब डोकर डोकरी से बोले आंगन में नचन लगे जो दमाद को जात देखो। अब डोकर डोकरी से बोले क्या बोले हमने प्यारी मारी नाई डोकरी बोली तो स्वामी मेरी दर्द नाई डोकर बोले हमने कतरे मारी थो नहीं थी हमने तो जासो मारी पे देख दमान जाए रही और दमान मुलक के देख रही बाजी बा हमें भजाए के नच रहे जई हम आऊ नहीं जई हम आऊ नहीं। और दमान बिठा से निकरे और आंगन की तरफ चलन लगे जन डोकर डोकरी नच रहे ता। अब डोकर फिर डोकरी से बोले का क्या हमने प्यारी मारी नाई डोकरी बोली तो स्वामी मेरे दर्द